अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मऊ के पूर्व चेयरमैन अरशद जमाल साहब जी, जिनसे हम बात करेंगे कल के मुद्दे पर, यानी जो कल इनकी मीटिंग तय की गई है रमा रमण जी की अध्यक्षता में, और ये लोग जाएंगे वहाँ पे बैठक करेंगे और क्या डिस्कशन होगा इनके और रमा रमण जी के बीच, क्या कन्वर्सेशन होगा इनसे हम आइए। कुछ इन्होंने कुछ प्रस्ताव भी रखा था और फेसबुक पर उसको शेयर भी किया था, उसके ही रिगार्डिंग हम इनसे कुछ बातें करेंगे। तो अरशद जमाल जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल ये कि कल आपको जाना है, आपका निमंत्रण आया है, तो कल आप जब जाएंगे वहाँ पे तो आप कुछ प्रस्ताव अब तैयार करके रखे हैं क्या? मतलब वहाँ पे आप जाके क्या प्रस्ताव रखेंगे, गवर्नमेंट से क्या आपकी मांगे हैं? देखिए, पहले तो किसी भी प्रस्ताव को देने से पहले मुझे वहां जाके एक सवाल ये पूछना पड़ेगा जी कि जब किसी प्रॉपर्टी का किसी को बंटवारा करना होता है तो पहले प्रॉपर्टी की कैपिटल आंकी जाती है कि क्या क्या एसेट्स हैं, चल और अचल संपत्ति क्या क्या है। तो पहले तो सरकार से हम लोग ये जानना चाहेंगे ना कि सरकार हमसे प्रस्ताव मांग रही है तो कितने के बजट पे मांग रही है जी। क्या 150 करोड़ पे मांग रही है प्रस्ताव या 950 करोड़ पे मांग रही है? अगर 950 करोड़ पे मांग रही है तो हम कहेंगे कि जो व्यवस्था 2006 से चल रही थी आप उसी को चलने दीजिए। अगर सरकार कहेगी कि नहीं 150 करोड़ पे हमको व्यवस्था चाहिए तो 150 करोड़ पे मिनिमम जो कुछ हो सकता है। जैसे हमारा कहना क्या है, हमारा ये कहना है कि फ्लैट रेट व्यवस्था के बिना पावर लूम चलना असंभव है। बिल्कुल, सरकार कह रही है कि हम 900 करोड़ रुपया सब्सिडी देने की परिस्थिति में नहीं है, हम 150 करोड़ रुपए तक वार्षिक दे सकते हैं। तो अब जो पूंजी हमारे पास है उसी में ना बंटना है। बिल्कुल, तो जब उसी पूंजी में से बंटना है तो हमारा ये कहना है कि जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद है पहले उनको दिया जाए जी, उनसे अगर बच रहा है तो जो संपन्न लोग हैं उनको दिया जाए, उनसे भी अगर बच रहा है तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी दिया जाए। यानी आपके कहने का मतलब ये कि पहले आप 5 किलोवाट तक के लोगों की सब्सिडी वहां मांगेंगे, 5 किलोवाट तक के लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड। 5 किलोवाट या 10 किलोवाट की बात नहीं, पहले वो अपनी कैपिटल बताएं कि वो हमको कितनी सब्सिडी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से हमारे पास हर प्रस्ताव मौजूद है, सरकार जितनी भी कहे। और ऐसा नहीं है कि लोग ये अगर समझ रहे जो लोग कि कल जाएंगे और रमा रमण जी के पास बैठेंगे, धड़ाक से कोई जादू का मंत्र निकलेगा, सर से समाधान हो जाएगा, ये सब कल होना नहीं है भाई जी। बिल्कुल, रमा रमण सरकार नहीं है, रमा रमण जी सरकार के बस नुमाइंदे मात्र हैं, बस आप बात को समझ रहे हैं ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, रमा रमण जी सरकार नहीं है। हाँ। सरकार के नुमाइंदा में हमारे और सरकार के बुनकरों और सरकार के बीच में मीडिएटर का काम कर रहे हैं रमा रमण जी, पुल का काम कर रहे हैं। यानी जो प्रस्ताव बुनकर देगा और जो सरकार देना चाहती है, दोनों के बीच में बहस करके जो कुछ भी निकलेगा हमारी डिमांड को ध्यान में रखते हुए वो सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे। तो कल से वो प्रस्ताव बुनकर रखेंगे, लोग ये समझ रहे हैं कल ही सारा मामला तय हो जाएगा, ऐसा ऐसा मेरी समझ से नहीं है। अगर तय हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरशद जमाल जी, आपने फेसबुक पर 3 प्रस्ताव शेयर किए थे जहां तक मेरी, तो पहले प्रस्ताव में आपने 4 पॉइंट रखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि 1 किलोवाट से 8 किलोवाट लोड तक के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड की जाए। तो आप ये जो पहला पॉइंट इसमें रखे हुए हैं, जो नोट है, तो किस बिना पर आप 8 किलोवाट तक की मांग कर रहे हैं? देखिए, मैंने जो कैलकुलेट किया है, थोड़ा जोड़ा घटाया है और सब आंकड़े निकाले हैं के साल में कितने करोड़ यूनिट बिजली खर्च होती है, सरकार ने जो कैबिनेट में प्रस्ताव रखा था इस योजना को समाप्त करने के लिए, तो उसकी रिपोर्टिंग क्या है इसको मैंने पढ़ा। इन सारे के बाद भी हमारे वहां जो कुछ भी मैंने उसमें कैलकुलेट करके जो कुछ भी निकाला, उस निष्कर्ष के एतबार से मैंने 2-3 प्रस्ताव बनाए कि जैसे अगर मान ली कि सरकार, मुझे लगता है कि अगर 400 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देती है तो मेरा वो 8 लूम वाला प्रस्ताव कारगर हो जाएगा जी। अगर सरकार 300 करोड़ के आसपास सब्सिडी देती है तो 5 किलो से ऊपर के बुनकरों को हम नहीं दे पाएंगे सब्सिडी। अच्छे, अगर 300 करोड़ रुपए तक सरकार सब्सिडी देती है तो 5 किलोवाट तक के बुनकरों को भी सब्सिडी की धनराशि देना बहुत मुश्किल से वो अमाउंट पूरा होगा। और अगर लोग खाली डिमांड कर देंगे 200 रुपया पर लूम कर दीजिए, 100 रुपया पर लूम कर दीजिए और इतना दे दीजिए, अरे भैया सरकार के पास जो धनराशि मौजूद है उसी में से आपको बांटना है जी। बिल्कुल, तो खाली आपके फरमाने से सरकार कुछ नहीं करने वाली है। मेरा प्रस्ताव 2 था। तीसरा एक मेरा प्रस्ताव ये भी है कि अगर सरकार फ्लैट रेट देने को राजी ही ना हो जी, जैसे सरकार से जब भी बात हुई, 1 साल से हम लोग बात कर रहे हैं,
तो सरकार बार बार ये कह रही है कि हम फ्लैट रेट नहीं दे सकते। भाई कोई भी चीज अनलिमिटेड कैसे देंगे? मोबाइल फोन भी अगर आपको है तो उसमें भी डेटा 1.5 GB तक आपको अनलिमिटेड दिया गया है कि 1.5 GB तक आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे खाने के किसी होटल में आप जाएंगे तो पहले होता था कि 20 रुपए में भरपेट खाना खाइए, लेकिन उस होटल में भी अब कम से कम लिमिट कर देगी कि 4 रोटी 5 रोटी के बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। टाइम के हिसाब से सब चेंज कर रहे हैं जी। तो ये है सरकार की समस्या, तो उसको हमें सरकार की समस्या को भी समझना है और अपने बुनकरों की भी समस्या को समझ के समाधान करना है। तो मैंने जो तीसरा प्रस्ताव दिया है कि अगर सरकार फ्लैट रेट नहीं देना चाहती तो हमको क्या दे दे, जैसे अब मेरे पास जो जानकारी आ रही है छन के, जो 3.5 रुपया 120 यूनिट आधे हार्स पावर के लूम पे, यानी 240 यूनिट एक प्रति हार्स पावर पे सरकार देना चाह रही है, तो उसको सरकार बढ़ा के 5 रुपए तक करने के मूड में, ठीक है जी। उनका कहना ये कि सरकार तर्क ये देगी कि भाई 7.5 रुपया तो रेट है बिजली का, तो हम 5 रुपया आपको सब्सिडी देते हैं, तो इस तरह से 2.5 रुपया यूनिट आपको रेट देना है। लेकिन वो 2.5 रुपया यूनिट नहीं है, वो जाके 11 रुपया 12 रुपया करीब पर यूनिट पड़ता है। बिल्कुल। तो सरकार अगर 5 दे देगी तो भी 7 रुपया यूनिट हमको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार ये कह दे, जैसे अब मेरा ये कहना है कि उस प्रस्ताव को हम कह रहे हैं कि 240 यूनिट हमको आप फ्री दे दीजिए, जैसे 240 यूनिट सरकार देने की बात कर रही है एक हार्स में ना, हम कह रहे हैं कि एक हार्स पावर पे आप 240 यूनिट हमको फ्री दे दीजिए, एक हार्स से ऊपर अगर 240 यूनिट से ज्यादा जहां हम खर्च करते हैं उतने का आप हमसे पैसा ले लीजिए। बिल्कुल। या उसमें एक प्रस्ताव ये भी बन सकता है कि सरकार कह रही है कि 7.5 रुपए में 5 रुपए हम सब्सिडी दे देते हैं, तो 2.50 रुपए यूनिट आपका रेट पड़ेगा, तो सरकार 2.50 रुपए यूनिट हमको फिक्स कर दे, हमको कोई लफड़ा ना रहे। बिल्कुल। टैक्स आपने लगा दिया तो 2.40 रुपए अगर सरकार यूनिट फिक्स कर दे तो भी बुनकर राजी हो जाएगा। देखिए जो आम बुनकर है वो न सरकार के अधिकारियों की गणित को समझ पा रहा है और न जो बड़े उद्योगपति हैं, जो डबलर ट्विस्टर और बड़ी बड़ी जो मशीनें चला रहे हैं उनके खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। अब बनारस के आंदोलन में अगुवाई कर रहे थे रेपियर वाले, रेपियर उस योजना में शामिल ही नहीं था 2006 की योजना में। बिल्कुल। रेपियर तो शायद तब आया भी नहीं था, शामिल ही नहीं था, वो गलत हो रहा है, उनसे पैसा वसूला जाना चाहिए रेपियर वालों से। रेपियर तो शायद तब आया भी नहीं था ना। नहीं, रेपियर तो तब आया था कि नहीं आया था मैं ही नहीं जानता। लेकिन जो शासनादेश है उसमें 2 प्रकार के लूम दिए गए, आधे हार्स पावर से चलने वाला लूम और 1 हार्स पावर से चलने वाला लूम। तो रेपियर 3.5 हार्स से चलता है तो वो तो वैसे उसमें आउट हो गया। तो जिन लोगों ने भी रेपियर मशीन 2006 के शासनादेश के अनुसार से इस्तेमाल किए वो गैर कानूनी है और उनके उनके हिसाब से चाहिए सरकार को। अच्छा, बिल के हिसाब से पैसा। अच्छा, आप जरा दूसरे पॉइंट पे भी विस्तार से बताइए कि जो आपका दूसरा पॉइंट है 60 इंच से कम रीड स्पेस वाले पावर लूम पर 500 रुपए प्रति माह और 60 इंच से ऊपर वाले पावर लूम पर 1000 रुपए प्रति माह, मतलब ये इंच से कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इंच से क्या होता है? हाँ, जी बोलिए। जैसे जब शासनादेश 2006 का बन रहा था तो इत्तेफाक से उस शासनादेश को बनाने में अवनीश अवस्थी जी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन थे, मुलायम सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, तो मैंने ही उस प्रस्ताव को भी बैठ के बनवाया था, बहुत मीटिंगें उसकी भी हुई थी। तो उसमें यह हुआ था कि कुछ जगहों पे 60 इंच का ऊपर के लूम चलते हैं, यानी थोड़े बड़े लूम होते हैं, अब कुछ हम लोगों के इलाके में या आपके इलाके में या टाटे के इलाके में सब 56 इंच वाला लूम चलता है। बिल्कुल। तो हम लोगों ने इस हिसाब से रखा था कि ताकि इधर गरीब बुनकर छोटा मामूली कपड़ा बनाते हैं तो उनका रेट कम पड़ेगा, तो इसलिए उसको रखा गया था कि 60 इंच से कम के लूम को आधे हार्स माना गया था और 60 इंच से ऊपर के जो लूम थे यानी तो उनको माना गया था कि वो 1 हार्स पावर से चलते हैं, तो ये व्यवस्था रखी गई थी। तो उसी व्यवस्था को सरकार ने जो 4 जनवरी को आदेश जारी किया है उसमें भी उसी व्यवस्था को उन्होंने रखा है। तो हमारा इसीलिए हमारा कहना है कि जो जैसे हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे फ्लैट रेट रहने दीजिए, जो 72 रुपया आप ले रहे हैं उसको आप बढ़ा लीजिए। तो अभी मैंने वो प्रस्ताव पब्लिक डोमेन में डाला था, वो सरकार के पास प्रस्ताव नहीं था, पब्लिक डोमेन, वो तीनों प्रस्ताव मैंने पब्लिक डोमेन में डाला था ताकि हम लोग आपस में राय मशवरा कर लें। तो उसमें बहुत सारी जगहों से सुझाव आया, तो जो 400 रुपए लूम मैंने डाला था उसमें लोगों का सुझाव ये हुआ है कि 300 रुपया लूम कर दीजिए उसको जी। तो मैंने उसको कर दिया, जो फाइनल जो हमारा प्रस्ताव सरकार के पास जाएगा उसमें 300 रुपए लूम ही जाएगा, और सरकार से हम यही मांग करेंगे कि पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा जाए। लेकिन अगर सरकार कहती है कि पुरानी व्यवस्था नहीं बहाल रह सकती तो क्या हम किसको बचाने का प्रयास करें? जो एक गोली में, जो एक टैबलेट में जिसकी जान बच सकती है, हम उसको एक टैबलेट देके बचावें, या जिसकी 10 टैबलेट में भी जान
जो जो बिना टेबलेट के भी जिंदा रह सकता है, हम उसके चक्कर में पड़े, आप बताइए जी। नहीं यानी आपका मुद्दा पहले वही रहेगा कि 2006 की जो फ्लैट रेट पर बिजली प्रोवाइड की जा रही थी उसको बहाल किया जाए, अगर सरकार गवर्नमेंट नहीं मानती है तब आपका ये प्रस्ताव रहेगा। अब फिर हम स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरेंगे, यानी हमारा जो 150 किलो वाट का लोड है तो हम कहेंगे कि आप 150 किलो वाट को बहाल रखिए, सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम आ जाएंगे कि आप 50 किलो वाट पे आ जाइए, वो भी नहीं मानेगी तो हम आएंगे कि आप 20 किलो पे आ जाइए। लेकिन अगर सरकार हाथ खड़ी कर देती है कि हमारे पास 150 या 200 करोड़ रुपए से देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तब आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, तो हमें उन गरीबों को बचाना है जो जो नहीं दे सकते पावर लूम के बिल का पैसा, जो बड़ी मुश्किल से रोज कुआं खोदते हैं और रोज खाते हैं, और जो बड़े लोग हैं उन्हें भी जुल्म नहीं करना चाहिए, वो इस बीच में कूद कर और सब्सिडी की बराबर की डिमांड करके वो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं और गरीब बुनकरों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर और गरीब मत बंटवारा करिए। मैं कह रहा हूँ कि किसानों की मिसाल दे रहे हैं कि किसानों में अमीर गरीब कोई नहीं होता, तो किसानों के पास जो अमीर किसान है उसके पास भी एक ही ट्यूबवेल होता है और जो गरीब किसान है उसके पास भी एक ही ट्यूबवेल होता है। लेकिन हमारे वहां एक गरीब आदमी के पास एक लूम है, अमीर आदमी के पास 200 लूम है। अच्छा, दूसरी बात एक और वादे कर दूं आपके माध्यम से कि हम लोग लूम के मुखालिफ नहीं है, लूम किसी का 50 चल रहा उसकी भी हम मुखालफत नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जितने लोग पावर लूम चला रहे हैं उन सबको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन उसी में जो डबलर चल रहा है, कैलेंडर चल रहा है, ट्विस्टर चल रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, उसको इस योजना से बाहर किया जाना चाहिए फौरी तौर पर। अच्छा अरशद जमाल जी, 5 किलो वाट करिए, 10 किलो। अरशद जमाल जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि 3 लिस्ट जारी की गई है, 3 लिस्ट जारी की गई है, कल 3 लिस्ट वाले वहां पे जाएंगे, तो हर लोग का अलग अलग प्रस्ताव रहेगा या फिर आप लोगों ने एक मीटिंग की है और एक प्रस्ताव बनाया है? देखिए, मीटिंग करने का तो कोई टाइम नहीं मिला जी, इसीलिए मैंने 5-6 दिन पहले प्रस्ताव बनाकर पब्लिक डोमेन में डाल दिया था ताकि दूसरे लोग भी अपना प्रस्ताव पब्लिक डोमेन में डालें और लोगों का सुझाव आ जाए। मैंने जो डाला था, मेरे पास सैकड़ों सुझाव आए, उन सभी सुझावों को ये निर्णय हुआ है, क्योंकि उसमें यही निर्णय हुआ है कि जो सुझाव मेरे पास आया 95% लोगों का कहना है कि 5 किलो वाला जो सुझाव है वो आपका उचित है और उसमें जो आपने 500 रुपया या 400 रुपया प्रति लूम लिखा है वो ज्यादा है, उसको कम करके 300 रुपये तक किया जाना चाहिए। तो मैंने अपने फाइनल प्रस्ताव में 5 किलो वाट को शामिल कर लिया है और 300 रुपया प्रति लूम को शामिल कर लिया, वो प्रस्ताव मैं पेश करूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यही प्रस्ताव, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो दूसरे लोग भी वहां जाए, जो दूसरे लोग भी वहां जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग भी अपना प्रस्ताव लेके जाए और आप भी अपना प्रस्ताव लेके जाए और आप ही लोग में मतभेद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए? ये तो होना ही है जी, ये तो होना ही है, क्योंकि वहां हमें गरीब आदमी कहां पहुंच रहा है, वहां तो सब प्रॉपर्टी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, गरीबों की नुमाइंदगी करने वाले वहां कल कितने लोग होंगे ये तो कल की मीटिंग में पता चलेगा। ये मसला आज नया नहीं उठ रहा है, ये मसला 1 साल से उठ रहा है, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, दिसंबर में जब शासनादेश जारी हुआ उसके 3 महीना पहले से ये मामला चल रहा है। और मैं हमेशा बात कर रहा हूं कि देखिए, जो सुविधा गरीबों के लिए दी थी मुलायम सिंह ने, उसमें अमीर घुस गया, उसमें फैक्ट्री वाले घुस गए और उस योजना को लूट लिया। जो गरीबों के कारोबार को बचाने के लिए सरकार ने स्कीम बनाई थी उसमें अमीर और उद्योगपति घुस गए और पूरी योजना को लूट लिया। नहीं तो उसका तो सर्वे करना गवर्नमेंट का काम है ना, वो तो गवर्नमेंट सर्वे करे और उन लोगों को वो मीटर तो गवर्नमेंट का सर्वे करेगी। आप नहीं देख रहे हैं कि आप वहाँ 50-50 लूम जिनके पास रेपियर चल रहा है वो आंदोलन के अगुआ बने कार बने हुए, आपके बनास में नहीं दिख रहा आपको? जी बिल्कुल, उनको सब्सिडी की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 1 50,000 रुपए का लूम है और 2 लूम है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ, और आपके पास 50 लूम है और एक एक लूम की कीमत 10-10 लाख रुपया है, तो सब्सिडी का हकदार मैं हूँ कि आप है? नहीं नहीं बिल्कुल, सब्सिडी का हकदार या किसी भी स्कीम का हकदार गरीब ही होता है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको पकड़ना तो गवर्नमेंट का काम है ना। नहीं, उसमें गलती क्या हुई कि जब योजना बन रही थी तब भी 20 किलो वाट तक की या 10 किलो वाट तक की योजना को शामिल करना था, मगर योजना बनने के बाद 2006 में बाद में बड़े लोगों ने सरकार पे दबाव बनाकर उसको बढ़वाकर 150 किलो कर दिया, वहीं से गड़बड़ी होगी। लेकिन हर सरकार चलती रही, अब इस सरकार ने उसको कैलकुलेट किया है, जोड़ा है, एक तो वो नुकसान हुआ, दूसरा है कि इस योजना के नाम पे फर्जी जो लोग जिनका पावर लूम उद्योग से कोई संबंधी नहीं वो लोग भी इसमें घुसे पड़े हुए हैं। कल की मीटिंग में आपने ठीक सवाल उठाया है, कल की मीटिंग में एक राय थोड़ी ना हो पाएंगे उनका। बिल्कुल, वही मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग लोग जाएंगे, अलग अलग प्रस्ताव लेके जाएंगे। देखिए, उसमें बुनकर तो पहुंच नहीं पाएगा,
बिल्कुल आम गरीब बुनकर उसमें जाएगा कल की मीटिंग नहीं, में नहीं जा पाएगा। जो लिस्ट है उसमें कोई है बुनकर एक भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अभी लड़ना है जितना लड़ना है। और आप प्रस्ताव लोग क्यों नहीं आउट कर रहे हैं? इसीलिए आउट नहीं कर रहे हैं कि फिर जनता उनको बुरा भला कहेगी, जाके चुपके चोरी सरकार के बीच में अपना प्रस्ताव देंगे कि 50 किलो वाट रखिए। आज इफ्तिखार का प्रस्ताव आया है, आपने देखा उसको? नहीं हमने नहीं देखा। उस प्रस्ताव में है कुछ नहीं, उस प्रस्ताव में उन्होंने 150 किलोवाट की मांग की है। आप बताइए कि वो गरीबों के लिए प्रस्ताव नहीं, नहीं 150 किलोवाट की तो कोई मांग जायज मांग नहीं है ये बिल्कुल। तो इफ्तिखार साहब ने उसमें लिखा ही नहीं है कितने किलो तक के बुनकरों को दिया जाए। जी अच्छा अरशद जमाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि एक शख्स से मैं बात कर रहा था, वो सरदार साहिबान ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट की तरफ से बुनकरों को लगभग 600 या 6000 करोड़ का वो अवार्ड दिया जाता है एक तरीके से। तो उनका ये कहना था कि जो बुनकरों को अवार्ड दिया जाता है और उसमें जो घोटाला होता है, यानी बुनकरों के अवार्ड के नाम पर गवर्नमेंट से पैसे ले लिए जाते हैं लेकिन बुनकरों को अवार्ड नहीं दिया जाता, तो उनका ये कहना था कि जो अवार्ड दिया जाता है बुनकरों को उसको खत्म कर देना चाहिए और उसी को बिजली सब्सिडी के रूप में दे देना चाहिए, ऐसा भी कुछ बात है भाई साहब? 500 करोड़ रुपए के लिए, 500 करोड़ रुपए के लिए पूरे प्रदेश का बुनकर लामबंद है, एक साल से चिल्ला रहा है कोई सुनने वाला नहीं, अब 5000 करोड़ का कोई अवार्ड दे देगा? क्या बच्चों जैसी लोग बात करते हैं, बेवकूफों जैसी। जी बिल्कुल, इस तरह की कोई योजना नहीं, सरासर बकवास है। अच्छा यानी कि ऐसी कोई योजना नहीं, वो सिर्फ बकवास कर रहे थे। आप खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करिए ना। जी बिल्कुल, 400-300 करोड़ रुपए के लिए तो एक साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार कोई बुनकरों के लिए 5000 करोड़ का अवार्ड दे देगी? 5 रुपए कोई अवार्ड नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा अरशद जमाल जी, आखिरी सवाल ये है कि आपका जो फाइनल, जितने सवाल आप पूछिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आखिरी सवाल ये है कि आपका जो फाइनल प्रस्ताव आपने जो तैयार किया है वो हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को आप प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मालूम हो जाए कि अरशद जमाल जी जो उसके लिए लड़ रहे हैं उन्होंने उनके लिए क्या प्रस्ताव तैयार किया है। देखिए हम दो शब्दों में बात आपसे कह देंगे, पहले तो मैं वहां सवाल, जब मुझसे प्रस्ताव पूछा जाएगा रमा रमण जी पूछेंगे तो पहले मैं रमा रमण जी से एक सवाल पूछूंगा जी, कि पहले आप मुझे बताइए कि आपका बजट कितना है? जितना आप बजट देंगे उसी हिसाब से हम प्रस्ताव देंगे जी। जो सरकार बजट देगी उसी हिसाब, हम कोई लठमारी थोड़ा ना हमको करना है। मैं पढ़ा लिखा समझदार आदमी हूं तो मैं बेवकूफों जैसी बात वहां नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं तो जितना बजट होगा उसी के अनुसार प्रस्ताव दूंगा। मेरी ख्वाहिश यह है कि जो 2006 का शासन आदेश है उसको पूर्ण रूप से लागू किया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश से तो होगा नहीं। बिल्कुल, सरकार के पास कितना बजट है वो उससे होगा। बिल्कुल, तो सरकार का बजट जो जितना होगा तो उसमें मैं चाहूंगा कि जो आखिरी सतह पे रहने वाले आखिरी तबका, जो गरीब तबका है, उसको किसी भी तरह से फ्लैट रेट की व्यवस्था से वंचित होने से बचाया जाए। मेरा लेने के कुल इतना काम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि जो 100-200 लूम वाले उनका विरोधी हूं, उनको भी मिल जाए तो मेरे लिए इससे खुशी कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे भी मिल जाए, मेरे वहां भी 100-150 किलो का कनेक्शन है, मुझे भी अगर सब्सिडी मिल जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो गरीब बुनकर है, जो 1 लूम 2 लूम 4 लूम 6 लूम चलाता है और अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता खिलाता है, उसको इस सुविधा से वंचित ना किया जाए। जो संपन्न लोग हैं उनको जो भी सरकार सुविधा देना चाहती है वो दे या ना दे उसके साथ। यानी आपके कहने का मतलब ये कि 6000 कनेक्शन वालों के लिए आप 84000 कनेक्शन वालों की बलि नहीं दे सकते? हम तो 6000 की भी बलि की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 1842 जो संख्या है उसमें असल उद्योगपति फंसे हुए। अच्छा बिल्कुल, सिर्फ 1842 को सरकार अलग कर दे सारा दुख दूर हो जाएगा। 1850 या 1842 की जो संख्या है ना उसी में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उसी को सरकार को एकदम बैन करना चाहिए। तो 5 किलो से लेकर 10 किलो के बीच में सरकार अगर फ्लैट रेट देती है तो बहुत बड़े पैमाने पर हम जो उद्योगपति हमारा शोषण कर रहे हैं उस शोषण से हम बच सकते हैं। हम किसी के मुखालिफ नहीं है या किसी के विरोधी नहीं है, लोगों के समझने का फर्क है, लेकिन मेरी बात को जो समझ जाएगा वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। और कल की मीटिंग में भी मैं समझ रहा हूं कि सब बड़े लोग ही ज्यादा पहुंचेंगे। अब नक्कार खाने में तूती की आवाज कल कितना गूंजती है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी आवाज बहुत मजबूती के साथ और तर्क संगत तरीके से कल की बैठक में रखूंगा, ये पक्का यकीन है मुझे। हम बात कर रहे थे अरशद जमाल जी से जिन्होंने बताया कि वो पहले जाएंगे और सवाल करेंगे रमा रमण जी से कि उनके पास कितना बजट है उसके हिसाब से ये अपना प्रस्ताव रखेंगे। तो अरशद जमाल जी आपसे बात करके हमें बहुत ही खुशी हुई
और हम यही उम्मीद करते हैं कि कल यानी कि कल की जो बैठक है उसमें आप लोग जाएंगे और प्रस्ताव रखेंगे और इंशाल्लाह में उम्मीद है कि बुनकरों के हित में सही फैसला लिया जाएगा। आपसे बात करके हमें खुशी है। फ्लैट का जब भी इतिहास लिखा जाएगा बिल्कुल आपको जरूर याद रखा जाएगा, आपके चैनल को जरूर याद रखा जाएगा इंशाल्लाह। आपने इसको जिस तरह मुहिम की तरह से आपने इस एजेंडे को उठाया है कि अगर सरकार ये बात मानती है चाहे जिस तरह से भी बिल्कुल फ्लैट रेट को बहाल करती है तो जो आपका चैनल है उमर अदीज इस चैनल को और आपको उमर साहब को जरूर याद रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जी, आपसे बात करके अच्छा लगा कि शुक्रिया अदा करेंगे आपका। जी इंशाल्लाह जरूर। मैं अकेला जो बात कहता था, मैं अकेला चिल्लाता था, उसको आपने आवाज दे दी बिल्कुल। तो बहुत बड़ा आपने एहसान किया है, लेकिन थोड़ा सा जो बात मैं कह रहा हूँ आप भी उसी बात को समझिए और लोगों को समझाइए बिल्कुल। जो गलतफहमी लोग फैला रहे हैं जी जी के बड़े बुनकर छोटे बुनकर में बंटवारा मत करिए, मैं कह रहा हूँ कि बड़े बुनकर ही क्यों बंटवारा करें, क्यों घुसे हैं इसमें बिल्कुल। आप हमारी राय क्यों नहीं मान लेते, हम तो कह रहे हैं कि हम आपकी राय मान लें, मैं कह रहा हूँ आप हमारी राय क्यों नहीं मान लेते। जी नहीं सही बात है आपकी, आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे अरशद जमाल जी से, इन्होंने बताया कि कल वो जाएंगे पहले बजट रमण जी से पहले बजट के बारे में पूछेंगे, जिस हिसाब से उनका बजट रहेगा उस हिसाब से ये अपने प्रस्ताव को रखेंगे। तो आप देख रहे हैं यू आर अदीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर अदीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।